हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। करीब 4 से 5 दिन हो गया कोई वीडियो नहीं आई है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गए। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 8 मई को बीपीएससी देने गए थे, उसके बाद एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम्स था तो कोलकाता के लिए निकल गए थे। इन बीच वीडियो नहीं आ पाई और कल से तबीयत भी ठीक नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब सब चीज़ ठीक है और अब आपके सामने हूँ और हम लोग आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग के अप्लीकेशन पे कोर्सेज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुकी है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। और रही बात फ्रेंड्स जिन लोगों का रनिंग है, तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं ताकि आप एग्ज़ाम्स यानी सॉरी पीईटी से पहले अपना सब चीज़ डॉक्यूमेंट रेडी कर पाए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है पीईटी के लिए। आपके पास मुश्किल से मुश्किल कह सकते हैं 20 दिन अब आपके पास है, तो 20 दिन अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर लीजिए जो भी करना है। पता नहीं क्या आयोग ने सोच करके इतना जल्दबाजी में दे दिया है। जिनका पहले से रनिंग था वो तो अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन जो लोग नए स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन करना है तो हिम्मत नहीं हारना, अच्छे तरीके से करना है। तो बेसिकली हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, 1857 के विद्रोह पर जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी अलग अलग लेखक के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको बीपीएससी में भी देखने को मिला था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से इन सभी बुक्स के नामों को हमें याद रखना है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में ये देखने को मिलता रहता है। और मैं ये टॉपिक ऑलरेडी अपने पेड कोर्सेस में दे चुका था। जो लोग अपने पेड कोर्सेज को ज्वाइन किया था बिहार से मेंस वाला, तो उसमें ये टॉपिक था और सेम टू सेम इसी तरह से मैंने उसमें बताया भी था। तो जो लोग पढ़े होंगे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिख रहा होगा ये इंपॉर्टेंट है, आप इन लिस्ट को अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की मज़ेदार कंटेंट हमेशा देखने को मिलता रहेगा। इन सभी को कराने के बाद मैं आपको 5 क्वेश्चंस भी करा दूंगा ताकि आपको पता चल सके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, याद रखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपका ये बनता है, क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि 1857 या तो डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाएगा 1857 के पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर इस तरह से लिख देगा 1857 इस तरह से। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे, एस एन सेन इस पुस्तक के लेखक थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अगर आप देखिएगा 1857, तो इसमें आपको 757 इस तरह से 757 स से देख रहा है मिल रहा है, तो स से सेन याद रख लीजिए, छोटा सा तरीका होगा, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। रिवेलियन 1857, देखिए इसमें आपका आ गया रिवेलियन 1857, सिर्फ 1857 किसका था, एस एन सेन का था, लेकिन रिवेलियन 1857 आ जाता है तो पीसी जोशी को हम इसको टिक करेंगे, पीसी जोशी, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने 1857 कहा था तो वहां पे आप कहेंगे कि 1857 स से संतावन, स से आपका सीन इस तरह से, लेकिन अगर रिबेलियन की बात करता हूँ, रिबेलियन 1857, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोश एनर्जी टाइप का आ रहा है, रिबेलियन विद्रोही, विद्रोही यानी जोशी, जोश के साथ हम लोग कहेंगे रिबेलियन 1857, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ इसमें जोश की बात की जा रही है, रिबेलियन 1857, तो ये आपका पीसी जोशी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और एकदम वीवीआई आप इसको मान करके चलिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किसने इस पुस्तक को किसने लिखा था, बी डी सवारकर, राइट, ध्यान रखिएगा बी डी सवारकर, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आता है आपका क्या, चौथा पॉइंट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट यानी सर्वे सर्वा आपने पढ़ा होगा, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे सर्वा, तो फर्स्ट यानी कि सर्वे सर्वा यानी कि सर्वाकर स्वारकर, इस तरह से याद रख लीजिए, बाकी आप रट कर याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है बताना आपको, जैसे याद रखना याद रखिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसके लेखक कौन है, टी आर होम्स, ठीक है, टी आर होम्स। हिस्ट्री के पुस्तक को कहाँ रखेंगे, हिस्ट्री के पुस्तक को रखेंगे होम्स में, ठीक है, होम्स यानी घर में, हिस्ट्री के पुस्तक को कहाँ रखेंगे, होम्स में रखेंगे, बस याद रखिए। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, देखिए 1857 सिर्फ और सिर्फ 1857 कहे तो हम वहाँ पे
एस एन सेन को टिक करेंगे, रिबेलियन 1857 कहे तो पीसी जोशी को टिक करना है, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 कहे तो वहां पे जीबी मालसेन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन बुक है 1857 से रिलेटेड तो आपको याद रखना है, ठीक है, जीबी मालसेन ये याद रहेगा मालसेन। उसके बाद आता है द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन, आपको पता है द ग्रेट किंग, जैसे हम जानते हैं अशोक महान, अशोक महान को ग्रेट किंग कहा जाता था, महान जो शासक थे, तो द ग्रेट रिबेलियन याद रखिए, जब ग्रेट बात आ जाता है तो वहां पे अशोक को टिक कर लीजिएगा, अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता। उसके बाद क्या है, असबास ए बगावत ए हिंद, असबास ए बगावत अ हिंद, सैयद अहमद का, ये ध्यान रखिएगा भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक थी, ये विद्रोही पर लिखी गई पहली पुस्तक थी, अब असबास असबाब ए बगावत अ हिंद सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई थी, प्रथम भारतीय भाषा में लिखी गई विद्रोही जो ये पुस्तक था सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां, इनकी दो पुस्तक है, दोनों को याद रखिए, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपका ये होगा, ये याद रखिएगा। लास्ट है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजुमदार, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक इसमें देखेंगे जिसमें था कि आपका 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कुछ कुछ वाक्य कहा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, षड्यंत्र जो वर्ड आता है उस किसने कहा, इस तरह से, तो सारे जो पॉइंट्स होते कथन होते उसको हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन मेरे पास 5 क्वेश्चन है, पहले उसको देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पे होगा और आप इसको देखिए और करने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इधर आप मत देखिएगा, इधर देखिएगा, ठीक है, इधर आप देखिएगा, रिबेलियन 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन सबसे पहला है, ऑप्शन आपके सामने है आर सी मजुमदार, पी सी जोशी, एस एन सेन और टी आर होम्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, रिबेलियन 1857 सिर्फ और सिर्फ 1857 कहता तो आप कहते एस एन सेन, 57 से आपका सेन, ठीक है, लेकिन रिबेलियन मैंने आप कहा था तो रिबेलियन मतलब थोड़ा जोश के साथ कह रहा हूँ, रिबेलियन 1857 तो वहां पे पीसी जोशी को टिक करेंगे, पीसी जोशी, ठीक है, पीसी जोशी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल, तो आपको हो जाता है सर्वे सर्वा, यानी कि वहां पे आपका क्या हो जाता है सरवारकर, ठीक है, बी डी सरवारकर, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट से मैंने आपको क्या याद कराया था, अशोक महान याद रख लिए, द ग्रेट किंग अशोका, यानी कि आपका अशोक हो जाएगा यहाँ पे, अशोक मेहता, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट किसका था, सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खां, राइट, इस तरह से। लास्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, हिस्ट्री की पुस्तक को कहाँ रखेंगे, हिस्ट्री की पुस्तक को होम्स में रख दीजिए, होम्स में यानी घर में रखिए, होम्स में रखिए, हिस्ट्री यानी होम्स, टी आर होम्स देख सकते हैं यहाँ पे आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी आर होम्स। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार SSC अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं किए तो अभी आपके पास मौका है, कोर्स की प्राइस थोड़ी सी बढ़ चुकी है, 299 हो चुका है, मैंने आपको पहले ही से बता रहा था, करीब 2 वीक से मैं आपके साथ ये बोल रहा हूँ कि आपका कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, कोर्स का प्राइस बढ़ चुका है 299, जुड़ना चाहते हैं अभी भी आपके पास मौका है, 299 के साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आपका कोर्स का दाम ये फिर से बढ़ने वाला है, तो फिर से बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आपको होगा ही होगा, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, 15 तारीख से इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया जाने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं काफी कम कीमत पर, 199 रखा गया था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं और बहुत सारा फायदा उनको हुआ, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं जुड़े तो फिर बाद में आपको लॉस हो सकता है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।